ये बात तो हम सभी जानते हैं कि वैदिक कालीन भाषा संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सात समंदर पार यूरोप के एक देश में भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जो संस्कृत की तरह ही ना सिर्फ बेहद प्राचीन है बल्कि संस्कृत के काफी समान भी है। इस भाषा का नाम है लिथुआनियाई। हाल ही में भारत में लिथुआनियाई दूतावास ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल की है। दूतावास ने नई दिल्ली के एक स्कूल की दीवारों पर संस्कृत और लिथुआनियाई के आम शब्दों को पेंट किया है। स्कूल की दीवार सुंदर चित्रों से भरी हुई है जो मधु, देव और अग्नि जैसे शब्दों के साथ साथ इन दोनों ही भाषाओं में संबंध दिखाती है। आपको बता दें कि लिथुआनिया देश की राजदूत ने भी हिंदी के साथ साथ संस्कृत भाषा सीखी है। लिथुआनिया के लिए संस्कृत के साथ घनिष्ठ संबंध होने को गर्व बताते हुए और हिंदी के लिए अपने जुनून और प्यार के बारे में विचार साझा करते हुए लिथुआनियाई राजदूत डायना मिकविसिन ने कहा कि लिथुआनियाई को आधिकारिक तौर पर संस्कृत की निकटतम जीवित बहन भाषा के रूप में मान्यता दी गई है और हम शैक्षणिक स्तर पर इस विशेष संबंध पर शोध करने के लिए काफी उत्सुक हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये दोनों देशों के बीच दोस्ती की निशानी है। इसी के साथ उन्होंने ये भी आग्रह किया कि इसको लेकर अधिक रिसर्च की जानी चाहिए। मैंने संस्कृत 2 साल पढ़ाई की लेकिन हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटी में ये तो लैंग्वेज ऑफ स्क्रिप्चर्स है। मैंने पढ़ाई तो रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग ट्रांसलेशन के बारे में था, स्पीकिंग के बारे में नहीं। और 6 महीने के बाद शायद पूरा इंटरव्यू हिंदी में दे दूंगी। अगले महीने इंडियन एम्बेसी मेरे कैपिटल में हो जाएगा तो मैं देखती हूँ बहुत पॉसिबिलिटीज हिंदी लैंग्वेज हिंदी नॉलेज बढ़ाना और प्रयोग करना ना। अब तो लिथुआनिया में 6-5 आदमी है जिनको हिंदी आती है लेकिन बहुत पॉसिबिलिटीज है पॉपुलराइज करना और हमारे रिलेशनशिप्स बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना हिंदी का। गौरतलब है कि ये पहल दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा देने और एक दूसरे की संस्कृतियों की गहरी समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ये संस्कृत और लिथुआनियाई के बीच समानता को उजागर करने का एक तरीका भी है क्योंकि दोनों ही भाषाओं की जड़ें प्राचीन इंडो यूरोपीय भाषा परिवार में है। फिलहाल इस खास खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।